गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल सी चैप्टर नंबर 14 आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग इन ENV. इन दैट वी विल सी क्वेश्चन एंड आंसर. सो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स कॉल्ड? जो हम अर्थन पॉट्स बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? द आर्ट ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स इज कॉल्ड पॉटरी. क्या कहेंगे हम? पॉटरी. क्वेश्चन टू, नेम टू थिंग्स मेड ऑफ क्ले. कौन सी दो चीज़ें हैं जो क्ले से बनती है? डिशेज एंड पॉट्स आर मेड ऑफ क्ले. डिशेज बनती है और पॉट्स बनते हैं. ठीक है. अगेन क्वेश्चन ऑन, व्हाट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स कॉल्ड? द आर्ट ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स इज कॉल्ड पॉटरी. नेम टू थिंग्स मेड ऑफ क्ले. डिशेज एंड पॉट्स आर मेड ऑफ क्ले. ओके, short answers. question on, why do we dry a pot in the sun or bake it on fire? hum pot ko kyun sun mein dry karte hain, sukhne ke liye rakhte hain, aur hum usko fire mein kyun rakhte hain bake karne ke liye? we dry a pot in the sun or bake it to make it stronger. to hum usko strong banane ke liye, ekdam mazboot banane ke liye hum usko sun mein rakhte hain ya hum fire mein usko aag mein hum usko bake karte hain. question 2, clay molds itself into different shapes. what do you learn from this property of clay? jo clay ka molds hota hai, jo clay ka pura clay hoti hai jab, to uske hum shapes banate hain. to aap usme se kya seekhte hain? वी मस्ट ऑल्सो एडजस्ट अवर सेल्स इन द एनी टाइप ऑफ सिचुएशन. उसका मतलब ये होता है कि कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए हमारी लाइफ में, तो हमें उससे उसमें एडजस्ट कर हो जाना चाहिए. वैसा हमें सीखने को मिलता है इस क्ले मोल्ड्स की प्रॉपर्टी में से. ओके, अगेन, वाई डू वी ड्राई अ पॉट इन द सन और बेक इट ऑन फायर? We dry a pot in the sun or bake it to make it stronger. Clay molds itself into different shapes. What do you learn from this property of clay? We must also adjust ourselves in any type of situation. Long answers. Question 1. Why do we use clay for making pots? हम pots बनाने के लिए सिर्फ clay ही क्यों use करते हैं? तो first, it is cheap and easy to get. वो बहुत चीप यानी कि सस्ते भाव में मिलते हैं और कहीं से भी मिल जाते हैं क्ले. इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स. हम उसका डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं. इट कैन बी इजीली डेकोरेटेड और हम उसको अच्छे से सजा सकते हैं, इजीली डेकोरेट कर सकते हैं हम उसको इसीलिए. क्वेश्चन 2, हाउ विल यू मेक अ क्ले बाउल? जैसे हम मैंने समझाया था हम कैसे क्ले बाउल बनाएंगे, तो हम फिर से देखेंगे. नीड सम क्ले विथ वॉटर एंड मेक अ बिग बाउल. हमें क्ले लेना है फिर उसका बिग बाउल बनाना है. पुश योर थम इन टू द सेंटर ऑफ द बोल टू मेक अ पिट. फिर हमें उसको उसमें गड्ढा बनाना है, तो उसमें हमें बीच में से थम रखना है और वैसे पिट बनाना है ऐसे थम रख के. वाइल पुशिंग योर थम पिंच अप द वॉल्स. फिर हम अगर बीच में थम रखा है और उसके बॉल को ऐसे पिंच करना है. फिर डी, टर्न द पीस एंड पिच टू कीप द थिकनेस ऑफ द वॉल्स इवन. फिर उसको उल्टा कर देना है और उसको जो थिकनेस है उसको भी थोड़ा कम करना है, यानी कि वो अगर वो एकदम थिक होगा उसको. फिर ई, जेंटली पैट द बॉटम ऑन अ फ्लैट सरफेस टू क्रिएट अ फ्लैट बेस. फिर उसको हमें ऐसे पीट करना है, पैट करना है और उससे क्या होगा कि फ्लैट सरफेस बनेगा. लीव दिस अर्थन बाउल टू ड्राई इन द सन. फिर हमें इसको सूखने के लिए छोड़ना है. व्हेन इट बिकम्स हार्ड यू कैन डेकोरेट इट. जब वो एकदम हार्ड हो जाए तब उसको हम डेकोरेट कर सकते हैं. ओके, अगेन, व्हाई डू वी यूज क्ले फॉर मेकिंग पॉट्स? इट इज चीप एंड ईजी टू गेट. इट कैन बी मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप्स. इट कैन बी ईजीली डेकोरेटेड. How will you make a clay bowl? Knead some clay with water and make a big bowl. Push your thumb into the center of the bowl to make a pit. While pushing your thumb, pinch up the balls. Turn the piece and pinch to keep the thickness of the balls even.
Gently pat the bottom on a flat surface to create a flat base. Leave this earthen bowl to dry in the sun. When it becomes hard, you can decorate it. I hope you all are clear. Thank you.